एक ऐसी वेबसाइट जो आपको ऑनलाइन सर्च करने के लिए पैसे देगी, एक ऐसी वेबसाइट जो आपको लोगों के ट्वीट पढ़ने के लिए पैसे देगी, एक ऐसी वेबसाइट जो आपको लोगों के छोटे छोटे मैसेजेस पढ़ने के लिए पैसे देगी, अगर ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो हाँ, इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करी जाएगी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट की जो आपको बहुत ही वैरायटी वाले छोटे छोटे काम ऑफर करती है और उसके लिए आपको पैसा भी देती है, और पैसा कोई नॉर्मल छोटा मोटा पैसा नहीं है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली गुड अमाउंट। यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस में काफी इंटरेस्ट है तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलरली काफी अमेजिंग रिसोर्सेज आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। और अगर आप लोग पेड ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है पैसा वैसा चैनल, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। ओके, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है वेबसाइट जिसका नाम है एपन, APPEN, जो कि अगर आप एकदम बॉटम में आएंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, और इनका US हेडक्वार्टर भी है जो सियाटल में है, पर ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। अगर आप डिटेल्स इनकी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे आपको काफ़ी नॉर्मल सी वेबसाइट दिखेगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा कलेक्शन रिलेटेड काम करती हैं, और इनका जो काम है वो काफ़ी पॉपुलर है, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। हम जाएंगे जॉब्स वाले सेक्शन में, इतना समझ लेना ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इतना सा ही नहीं है, देर इज़ अ लॉट मोर टू इट। वीडियो को यहीं पर ही छोड़ के जाने की कोशिश मत करना, मैं आपसे अभी से ही आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप आते हैं आपके पास में पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल जॉब्स, जो आपको यहाँ पे तीन यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखेगी। पहला है प्रोजेक्ट, जो आपको एक लॉन्गर टर्म, एक पार्ट टाइम लॉन्गर टर्म एसोसिएशन, आपको यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दूसरा है माइक्रो टास्क, जो आपको कहीं ना कहीं वर्क यू कैन स्टार्ट राइट अवे। और तीसरा है सर्वेज इन डेटा कलेक्शन, जहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क कंप्लीट होते हैं, जैसे कि सर्वेज हैं या फिर आपकी जो वॉइस है आपके फ़ोन में रिकॉर्ड करके आपको उनको भेजनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें जाता हूँ माइक्रो टास्क में, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं समझ गया माइक्रो टास्क में क्या आएगा। तो बिकम एन एपन कॉन्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आता हूँ मुझे देखिएगा हाउ इट वर्क्स, मैं स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री दिए हुए हैं किस तरीके से काम करता है। तो इस चीज़ को अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़ के वीडियो को लंबा कराने का डेफिनेटली कोई पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके के टास्क आपको करने होते हैं, तो आप ये देखिए, कैटेगराइज सोशल मीडिया, रीड अ ट्वीट और शॉर्ट पोस्ट एंड हेल्प डिसाइड व्हाट इट्स अबाउट और व्हाट इमोशन इट कंटेन्स। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और काफ़ी सारे जो इनके काम होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आप समझ पाएं। जैसे कि अगर आप नीचे आके देखेंगे, पहले आप देख लीजिए एपन क्या करता है। एपन कलेक्ट्स एंड लेबल्स इमेजेस टेक्स्ट स्पीच ऑडियो वीडियो एंड अदर डेटा यूज्ड टू बिल्ड एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो यहाँ पे जो इनकी चीज़ें होती है ये उसी चीज़ से रिलेटेड होती है, ताकि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को एनालाइज कर पाए, वही जो काम होते हैं छोटे छोटे वो करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पहली चीज़ हो गई, आप समझ गए। दूसरा मॉडरेट कंटेंट, जहाँ पे आपको पिक्चर्स को या टेक्स्ट को देखना होता है और समझाना होता है कि क्या उसमें एक्सप्लिसिट या फिर ऐसे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है, अगर फोटो है तो कुछ गंदा तो नहीं है, लैंग्वेज है तो कुछ गंदी लैंग्वेज तो नहीं है, वो आपको वहाँ पर मॉडरेट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में इंडिकेशन हो रहा है। उसके बाद में ट्रांसक्राइब ऑडियो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट जॉब में जब rip.com का वीडियो किया था, वो ट्रांसक्राइब वीडियो करने के लिए था मोस्टली। यहाँ पे आप ऑडियो को ट्रांसक्राइब करते हैं जो कि नॉर्मली शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स होते हैं, कुछ सेकेंड्स के होते हैं, जिसके लिए आपको पैसा भी मिल जाता है। उसके बाद में आपको जो मैं आपको बता रहा था एक इमेज टूल आपको ये देंगे, जिसको यूज़ करके आपको एक पिक्चर में ये ऑब्जेक्ट बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पिक्चर में इस ऑब्जेक्ट पे स्क्वायर बना दो, और वो आपको करना है इनके ही इमेज टूल को यूज़ करके, जो काफ़ी सिंपल होगा, बॉक्स बना देंगे जो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं क्या है क्या नहीं है कैसे है वो सभी चीज़ें। उसके बाद में अगर मैं वापस से बैक करता हूँ और बैक करके अगर मैं जानना चाहूँ इस चीज़ के बारे में, सर्वेज एंड डेटा कलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास में आ गई हैं ये एक नया पेज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सारी डिटेल्स मेरे को फिल करनी होगी और यहाँ सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी, और जैसा आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया भी ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो यहाँ पे आपको नाम डालना, ईमेल आईडी डालना, ये सारा रजिस्टर करने के बाद में आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। डिटेल्स आप एक बार ये समझ लीजिए यहाँ पे कि आपको आपका जो गोल है ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू टैप इनटू कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। रिजल्ट्स ऑफ टास्क विल बी यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, डेटा एनोटेशन, मल्टीमीडिया, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सर्च इंजन रिजल्ट इवैल्यूएशन। रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कंप्यूटर ओएस शुड बी विस्टा, विंडोज 7 एंड अबव। ओके, तो मैक का कोई मेंशन नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों। 3 to 7 ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी इन द कंट्री, और बाकी विंडोज लाइव आईडी, क्योंकि अगर कभी इनको लाइव सेशन करना होगा आपके साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो ऑफकोर्स यू शुड बी अवेलेबल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ये सर्वे वाला काम है, तो यहाँ पे सर्वे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन कि आप उसके लिए राइट फिट हैं या नहीं है। उस वजह से अगर आप राइट फिट नहीं हुए तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो काम मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। तो मेरा सजेशन रहेगा फोकस ऑन माइक्रो टास्क। अब उसी के साथ में प्रोजेक्ट्स पर अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में सारी डिटेल्स होती हैं जो मुझे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देती हैं, जो कि जैसे कि आप ये देखिए, हियर आर एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी अवेलेबल। ये सभी हैं जहाँ पे सर्च मीडिया एवैल्यूएशन, जहाँ पे वर्क विद द वर्ल्ड्स टॉप सर्च इंजन कंपनीज, सोशल मीडिया एवैल्यूएशन जहाँ पे हेल्प इंप्रूव सोशल मीडिया अराउंड द ग्लोब। यहीं पे आपने ये सारे जो मैं आपको बता रहा था फीडबैक देने वाली चीज़ें, वो यहाँ पे भी काम करेगी। ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, सर्वे एंड डेटा कलेक्शन है, लिंग्विस्टिक स्पेशलिटीज़ हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, कंप्यूटेशनल, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, एनोटेशन एक्सेट्रा, लेक्सिकॉन एनोटेशन। ये मुझे नहीं पता लेक्सिकॉन एनोटेशन क्या होता है, लेक्सिकॉन का मीनिंग देख लेते हैं एक बार क्या होता है। लेक्सिकॉन का मीनिंग होता है द वोकैबुलरी ऑफ अ पर्सन, लैंग्वेज और ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके, तो ये कहीं ना स्पेसिफिक चीज़ हो गई कि अगर कोई इसी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक एनोटेशन, स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड एनोटेशंस एंड स्पीच एवेल्यूएशन। और एप्लीकेंट्स मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंटरनेट सेवी। अगर आप यहाँ सबसे पहले कंट्री को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, वो जैसे ही मैं करता हूँ आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बतानी है, तो प्राइमरी लैंग्वेज मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल देता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा काम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और वॉट इज़ द डायलेक्ट, तो यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। उसके बाद में अगर आप और भी लैंग्वेजेस को जानते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी को जानता हूँ, इंडिया, और नेटिव और बायलिंगुअल। अगर आपको और भी लैंग्वेजेस आती है तो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में अगेन यू विल हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स। इसके बाद में ये आपको सारी डिटेल्स बोलेगा और आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे। डिपेंडिंग ऑन आपके क्या आंसर्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, उस हिसाब से ये लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे अपना सीवी को अटैच करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस वाला काम है। जैसा मैंने आपको बताया, आप लोगों ने देखा होगा, वो लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा सा काम था ये, जो कहीं ना कहीं रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ वाला काम था। इस वजह से उनको आपका सीवी ज़रूर चाहिए होगा। रेजिडेंस की जो हिस्ट्री है वो आपको शेयर करनी होगी, आप कितने टाइम से हैं, किस मतलब कंट्री में, वो सब चीज़ें। आपकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे शेयर करनी होगी। प्रायर एक्सपीरियंस अगर आपको इन चीज़ों में किसी में भी है तो वो आपको शेयर करना होगा, विच इज़ एक्चुअली रियली रियली रिकमेंडेबल। अगर है तो मेंशन करिए, अगर आप प्रूव कर सकते हो मेंशन करिए। अगर किसी ने रेफरेंस दिया है तो आप वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं। आप ये चीज़ देखिए, ये द रीज़न, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है, वो इसलिए है कि इनकी जो जॉब एप्लीकेशंस हैं, जो जॉब पोस्टिंग्स हैं, वो आपको इन सभी प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। काफ़ी जगह पे ये लोग ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं, क्योंकि इनको रेगुलरली रिक्वायरमेंट होती है अच्छे अच्छे लोगों की। अब अगर आप ये सोचेंगे कि आपका सेलेक्ट होना कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, तो देखो, आप पॉसिबल नहीं होंगे जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। रिजेक्शन अगर आपको 100 अगर आप जगह अप्लाई करते हैं, उसमें से अगर आपको 90 या 99 जगह पे भी रिजेक्शन मिलता है, और 100वीं बार अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। काफ़ी लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते ये सोच के कि यार मतलब पता नहीं ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं, मुझे क्यों सेलेक्ट करेंगे। यार ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। मेरा सजेशन रहेगा ट्राई, एटलीस्ट सबमिट करो एप्लीकेशन। कोई रेफरल लिंक नहीं है, कुछ मैं ऐसा शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट वेबसाइट शेयर करूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए सोचा कि यार एक बार सर्च मारते हैं अपन वर्क फ्रॉम होम, और मुझे पहला ही जो लिंक था, मेरा जो जानना चाहता था कि ये लेजिट है या स्कैम है, तो मैंने
इस पर्टिकुलर जो ये गिग हसलर्स करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सा लेख लिखा हुआ है आपन के रिव्यू के ऊपर। तो इन लोगों ने पहले समझाया कि ये किस तरीके का काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कंसिडरिंग जिस तरीके का काम करते हैं, जो रिक्वायरमेंट ये आप जैसे मेरे जैसे लोगों से चाहते हैं, जो छोटी छोटी जॉब्स करवाना चाहते हैं, कंसिडरिंग किस तरीके का काम करते हैं ये, वैसा काम रेगुलरली आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। इसी वजह से इनके पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इनका जो शॉर्ट आंसर है वो है नो, एप्पल इज़ नॉट अ स्कैम। बाकी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इन्हीं की वेबसाइट में, मतलब ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एप्पल रिक्रूटिंग जब आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उनके ईमेल में appen.com या फिर connectmail.appen.com होना ही चाहिए, नहीं तो वो फेक है। काफ़ी लोग आपसे ज्वाइनिंग फ़ी के नाम पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि appen आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता, देर इज़ नो चार्ज टू ज्वाइन appen। तो एक ये एक्स्ट्रा रीज़न है आप लोगों का इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अगर करते हैं और यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आता है, अगर आप सोचते हैं कि बाकी किसी को भी हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और दोस्त इतना ध्यान रखना जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उस चीज़ के लिए आपको मेरा साथ बहुत ज़रूरी है, और उस साथ के लिए उस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक होना ज़रूरी है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो वीडियो कैसे देखोगे, वीडियो नहीं देख पाओगे तो पैसे कैसे कमाएंगे साथ में, रियल तरीकों से, लेजिट तरीकों से, कोई स्कैम नहीं करेंगे। बाकी टेक केयर।